हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग एसआर कस्टम डिजाइन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बहुत दिनों से आर 15 का मॉडिफिकेशन का जो वीडियो है वो नहीं आ रहा था, तो लॉकडाउन वेस्ट बंगाल में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के अंदर ही कुछ पार्ट्स ये इधर उधर से जुगाड़ करके तो लाए हैं, तो गाड़ी आपको दिखाएंगे। तो इस पार्ट में आप लोग देखेंगे कि जो पार्ट्स हम लोगों ने ठीक किया था तो उसका फिटिंग, हेडलाइट फिटिंग और ये सारा कुछ आप लोग इस वीडियो में देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो साइड का जो पैनल्स था जो हमने रिपेयर किया था वो अभी यहाँ पे मैं पैनल अभी लगा रहा हूँ। राइट साइड का और लेफ्ट साइड का पूरा यहाँ पे सेटअप हो चुका है। तो हम लोगों ने अमेजोन से मंगाया था हेडलाइट, तो हेडलाइट अभी आ चुका है, तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है 13 एलईडी हेडलाइट और इसका ये है क्लैम्प। तो ये हम लोगों को पड़ा है 1600 रुपीज़ और इसका जो परचेज लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके बाद इसको अटैच करने के लिए दोनों क्लैम्प हमने मंगाए हैं और ये है दो क्लैम्प। तो ये क्लैम्प भी हम लोगों ने अमेजोन से ही मंगाया है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो होल है और ये जो हेडलाइट है तो हेडलाइट का इसमें ड्रिल करने वाले हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। तो क्या करेंगे, इसके अंदर इसको ऐसा करके अटैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए ड्रिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to. वायरिंग के लिए यहाँ पे कुछ अलग से जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, एकदम प्लैग एंड प्ले का ऑप्शन ही यहाँ पे है। R15 में एक्चुअली दो प्लैग्स आते हैं, एक्चुअली उस पर दो हेडलाइट लगाता है, तो इसलिए आज जिस पे आपका हाई बीम का पॉइंट रहेगा तो उसके अंदर ही इसका प्लैग एंड प्ले हो जाएगा, एकदम डायरेक्ट फिट है, तो इसके लिए कोई झमेला नहीं है। और इसका जो एक्स्ट्रा जो लाइट है यहाँ पे जो DRL पे जो ऊपर में दो लाइट है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्किंग लाइट के साथ कनेक्ट कर देंगे। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हेडलाइट फिटिंग हो चुका है और अभी मैंने इसका कनेक्शन भी कर दिया है। तो अभी इसका सिर्फ पार्किंग लाइट जलाएंगे तो ये दोनों लाइट सिर्फ जलेगा, ये वाला और ये वाला, और पूरा जलाने पे ये सारा जलेगा। अभी ये अपर में है और यहाँ से डिपर करेंगे तो बीच का लाइट और ऊपर का जो तो गाड़ी का पेंटिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद अभी हम लोग करेंगे लैकर कोटिंग। तो इसका जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्लियर कोट करने से गाड़ी का जो शाइन है वो बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाता है और जो पेंट हम लोगों ने किया है वो भी एक लेयर प्रोटेक्शन इसको देता है। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि मैं कैन से जो लैकर कोटिंग है वो अभी मैं कर रहा हूँ और गाड़ी का शाइन कैसे बढ़ रहा है। तो कोई भी पुराना बाइक जिसके ऊपर शाइन चला गया है उसके ऊपर ये लैकर कोटिंग करने से ये अच्छा हो जाता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी का फाइनल लुक, गाड़ी कैसा दिख रहा है, आप प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइए। ऐसा ही कुछ मॉडिफिकेशन वीडियो के लिए और कस्टमाइजेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही इस R15 का जो ऑलरेडी जो बजट है और कितना कितने इस पर खर्चा हुआ है तो इसका एक वीडियो मैं लाऊँगा। तो तब तक टाटा, बाय बाय।